हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हेशरी रसोई। आज मैं आपके साथ एक बहुत टेस्टी और यूनिक टिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मैं इसे वेजिटेबल और ब्रेड के साथ बनाऊंगी, जिससे ये टिक्की खाने में और ज्यादा टेस्टी हो जाती है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। एकदम बहुत ही सुपर टेस्टी और बहुत यूनिक आलू टिक्की सैंडविच बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये नॉर्मल व्हाइट ब्रेड, साथ ही लिए हैं ये कुछ सब्जियां, जिसमें मैंने दो मीडियम साइज की गाजर, एक बहुत ही छोटा सा फूल गोभी, एक टुकड़ा पत्ता गोभी का, एक कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, एक बड़े साइज का प्याज, दो हरी मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने छील लिया है, चार पांच मीडियम साइज के आलू, कुछ दाने मैंने कॉर्न के लिए हैं, आप चाहें तो हरी मटर भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा यूज करेंगे हम हरा धनिया, एक नींबू जिसका कि हम रस यूज करेंगे, नमक टेस्ट के हिसाब से, एक चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्चे, आधा चम्मच जीरा और एक चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अगर आप खटास कम खाते हैं या आपको कम पसंद है तो हम इस रेसिपी में नींबू डाल रहे हैं, इसलिए आप अमचूर पाउडर को अवॉइड कर सकते हैं, और जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे कुकिंग ऑयल। इन सब सब्जियों को हम एकदम बारीक चॉप कर लेंगे और आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसी तरीके से आलूओं को भी कद्दूकस कर लेंगे। सब्जियों को मैंने कद्दूकस कर लिया है, आलू को भी कद्दूकस कर लिया है, और सैंडविच को फिनिश करने के लिए हमें जरूरत होगी हरे धनिया की चटनी की, दो छोटे साइज के प्याज हैं जिसका हम स्लाइस बनाकर यूज करेंगे, इसी तरीके से दो छोटे साइज के टमाटर, इसको भी मैं स्लाइस कर लूंगी, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, और ये मैंने जितने हम सैंडविच बनाएंगे उतने ही हमें चीज स्लाइस चाहिएंगे, और जरूरत के हिसाब से कुकिंग ऑयल। चलिए पहले टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उसके ऊपर एक पैन रख देंगे, पैन के अंदर हम एक टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसके अंदर हम ये जीरा डाल देंगे, बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देंगे और हल्का सा हम इसे भून लेंगे। सब्जियां अपना पानी छोड़ दें इसलिए पहले हम नमक डाल देंगे और नमक के साथ सब्जियों को हल्का सा गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो इस समय टिक्की में पनीर घेर सकते हैं, चीज घेर सकते हैं। कॉर्न डाल देंगे, लाल मिर्चें, अमचूर पाउडर, और इसी समय हम ये कॉर्नफ्लोर डाल देंगे जिससे जो सब्जियों में एक्स्ट्रा पानी है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें टिक्की बाइंड करने में आसानी हो जाएगी। एक डेढ़ मिनट तक मैंने कॉर्नफ्लोर और सब्जियों को अच्छे से गर्म कर लिया है, जिससे कॉर्नफ्लोर भी थोड़ा सा पक गया है और हमारी सब्जियां भी कुक हो गई हैं। बस अब हम ये आलू डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और लास्ट में ये नींबू का रस और चाट मसाला। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी टिक्की की शेप दे लेंगे। थोड़ी बड़े साइज की टिक्कियां बनाएंगे इस तरीके से। ये कुछ टिक्कियां मैंने बना ली हैं और ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, इन टिक्कियों को इस तरीके से हम इसमें राउंड कर देंगे और एक्स्ट्रा झाड़ देंगे, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है। टिक्कियों को मैंने कॉर्नफ्लोर में कोट कर लिया है और हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद गैस ऑन करेंगे, उसके ऊपर एक पैन रख देंगे और पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म होता है हमने ये जो टिक्कियां तैयार करी थी ये ऑयल में सेट कर देंगे। जैसे ही टिक्कियां एक तरफ से हल्की सी सिकती हैं हम उसे टर्न कर देंगे, और देखिए टिक्की पर कितना अच्छा कलर आया है, और जितने हमारी टिक्कियां सिकती हैं उतने हम ब्रेड पर चटनी लगा लेंगे। दो स्लाइस पर हम चटनी लगाएंगे। टिक्की दोनों तरफ से अच्छे से सिक गई है, इन्हें हम अलग प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। दो ब्रेड पर हमने चटनी लगाई है, उसी के ऊपर हम ये टिक्की लगा देंगे। इस सैंडविच का टेस्ट काफी कुछ बर्गर से मिलता जुलता होता है। हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे,
और बस इन टिक्कियों के ऊपर थोड़े से प्याज की लच्छी लगा देंगे, एक दो टमाटर के स्लाइस रख देंगे, चाट मसाला, और लास्ट में ये चीज स्लाइस, और बस दूसरी बैट से हम इस सैंडविच को कवर कर देंगे। और एक ग्रिल पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, आप चाहें तो नॉर्मल तवे पर भी बना सकते हैं और उसे हल्का सा चिकना कर लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया है, आप चाहें तो बटर से बना सकते हैं। और इसमें हम अपना ये सैंडविच रख देंगे, टर्न कर देंगे, हल्का सा ऑयल ऊपर लगा देंगे और उसके बाद हम इसे टर्न कर देंगे, हल्के हाथ से प्रेस करते हुए हम सैंडविच सेक कर तैयार कर लेंगे। और 30 से 40 सेकंड में हमारा सैंडविच दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छा सिक गया है, इसे हम निकाल लेंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरा भी सेक लेंगे। एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी हमारा सैंडविच बनकर तैयार हो गया है। बस आप इसे इस तरीके से बीच से कट कर लीजिए। इन सैंडविच को आप हरे धनिये की चटनी और टमाटर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आते हैं। ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक जरूर दें। ये बहुत ही टेस्टी और यूनिक टिक्की हमारी बनकर तैयार है, ये आपको जरूर पसंद आएगी, इसे आप जरूर ट्राई करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। Thank you.